नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइब्रेरी साइंस एमसीक्यू पार्ट 46। यह आपके विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनबीएस, डीयू, डीएसएसबी, बिहार लाइब्रेरियन, पंजाब लाइब्रेरियन, राजस्थान लाइब्रेरियन आदि में काम आ सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, OCLC किस प्रकार की संस्था है? OCLC इज़ व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? आंसर है, यह एक प्रकार का लाइब्रेरी नेटवर्क है। इट इज़ अ लाइब्रेरी नेटवर्क। सेकंड क्वेश्चन है, साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? हु पब्लिश साइंस साइटेशन इंडेक्स? आंसर है, इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पब्लिश करता है। थर्ड क्वेश्चन है, साइटेशन इंडेक्स पहली बार किस क्षेत्र के लिए विकसित किया गया था? साइटेशन इंडेक्स वॉज डेवलप्ड फर्स्ट टाइम इन विच फील्ड? आंसर है, कानून लॉ फील्ड के लिए प्रथम बार बनाया गया था यह। फोर्थ क्वेश्चन है, OCLC का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OCLC? आंसर है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। फिफ्थ क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी नेटवर्क इन द वर्ल्ड? आंसर है, OCLC। सिक्स्थ क्वेश्चन है, OCLC की स्थापना कब हुई? OCLC वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? आंसर है, 5 जुलाई 1967। सेवन्थ क्वेश्चन है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर किस राष्ट्र की सूचना प्रणाली है? नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर बिलोंग टू विच कंट्री? आंसर है, भारत, इंडिया। एट्थ क्वेश्चन है, LCSH का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? द फर्स्ट एडिशन ऑफ LCSH वॉज पब्लिश इन विच ईयर? आंसर है, 1897, 1897 में। नाइन्थ क्वेश्चन है, यूज़र प्रोफाइल किस सेवा की त्रिमूर्ति है? यूज़र प्रोफाइल इज विच टाइप ऑफ सर्विस? आंसर है, SDI, सिलेक्टेड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। टेंथ क्वेश्चन है, SDI का निर्माण किस वर्ष हुआ? SDI वॉज कम्प्लीट इन विच ईयर? आंसर है, 1961, 1961। ग्यारहवा क्वेश्चन है, बड़ौदा राज्य में लाइब्रेरी सेवाओं के लिए सियाजी राव गायकवाड़ द्वारा किसे बुलाया गया था? टू होम सियाजी राव गायकवाड़ कॉल फॉर लाइब्रेरी सर्विस इन बड़ौदा? आंसर है, WA बॉर्डन। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, पुस्तकालय उपकर किस प्रकार के पुस्तकालय के लिए लिया जाता है? लाइब्रेरी सेस इज टेकन फॉर विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी? आंसर है, सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी। थर्टींथ क्वेश्चन है, संसाधन सहभागिता रिसोर्स शेयरिंग का क्या मतलब है? रिसोर्स शेयरिंग मीन्स व्हाट? शेयरिंग ऑफ ऑल रिसोर्स सर्विस एंड स्टाफ। शेयरिंग ऑफ ऑल रिसोर्स सर्विस एंड स्टाफ। 14th क्वेश्चन है, SLSH का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? SLSH फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश इन विच ईयर? आंसर है, 1923, 1923। 15th क्वेश्चन है, थीसिस, पेटेंट एंड स्टैंडर्ड किस प्रकार के स्रोत हैं? हाँ, थीसिस, पेटेंट एंड स्टैंडर्ड इज व्हाट टाइप ऑफ सोर्स? आंसर है, प्राइमरी। 16th क्वेश्चन है, SLSH किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? हु डेवलप SLSH? आंसर है, सेयर्स द्वारा। 17th क्वेश्चन है, कोलन वर्गीकरण के चौथे, पांचवें तथा छठे संस्करण किस प्रकार के पद्धति के अंतर्गत आते हैं? CC 4th, 5th, 6th एडिशन कम्स अंडर व्हाट टाइप ऑफ स्कीम? आंसर है, फ्री फेसेटेड स्कीम। 18th क्वेश्चन है, सबसे पुराना पुस्तकालय एसोसिएशन कौन सा है? विच इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन? आंसर, ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। 19वां क्वेश्चन है, ALA की स्थापना कब हुई? ALA वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? आंसर है, 1876, 1876। 20वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ कौन सा है? यह है, आंध्र देसा लाइब्रेरी एसोसिएशन। 21वां क्वेश्चन है, SLSH किसका संक्षिप्त रूप है? इसका आंसर है, LCSH। 22वां क्वेश्चन है, NIC की स्थापना कब हुई थी? NIC वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? आंसर है, 1977, 1977। 23rd क्वेश्चन है, DDC अब किसके द्वारा देखा जाता है? DDC इज कंट्रोल्ड बाय विच एजेंसी? आंसर है, OCLC। 24th क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम
मानव नॉलेज को कितने भागों में बांटता है? LOC क्लासिफिकेशन स्कीम हैज़ डिवाइडेड ह्यूमन नॉलेज इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? आंसर है 21, 21। 25th क्वेश्चन है, UGC करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी किस वर्ष बनी? UGC करिकुलम डेवलपमेंट एजेंसी वॉस्ट एस्टेब्लिश इन विच ईयर? आंसर है 1993, 1993। 26th क्वेश्चन है, CCF किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? CCF वॉज डेवलप्ड बाय होम? आंसर है यूनेस्को। 27th क्वेश्चन है, पीटर ए फायर किससे संबंधित है? पीटर फायर इज रिलेटेड टू व्हाट? आंसर है जीरो बेस बजट। 28th क्वेश्चन है, RDA किससे संबंधित है? RDA इज रिलेटेड टू व्हाट? आंसर है कैटलॉगिंग। 29th क्वेश्चन है, पहला पुस्तकालय अधिनियम ब्रिटेन द्वारा किस वर्ष में लाया गया? फर्स्ट लाइब्रेरी अमेंडमेंट एक्ट वॉज केम इन ब्रिटेन एंड इन विच ईयर? आंसर 1850, 1850। 30th और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? आंसर है पेरिस, फ्रांस। तो दोस्तों, यहाँ था आज का MCQ 46। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।